अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं दोस्तों। आज मैं ग्रॉसरी करने गया हुआ था और ड्यूरिंग ग्रॉसरी जब मैं अंडे लेने गया तो वहाँ छोटे छोटे अंडे पड़े हुए थे, तो मैंने बोला क्यों ना हम भी उन छोटे अंडों को ट्राई करें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किन अंडों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो अंडे आप देख रहे हैं ये हैं क्वेल एग, यानी बटेर के अंडे। तो मैंने जब घर आके बटेर के अंडों की अफादियत को पढ़ा तो वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के थे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बटेर के अंडे किस तरह के दिखते हैं और इनके फायदे क्या क्या हैं। ये देखिए, ये 12 अंडों का पैक जो था ये मुझे मिला है तकरीबन $6। अगर आप इस अंडे को और मुर्गी के अंडे से कंपेयर करें तो आप इनके साइज को देख सकते हैं कि ये अंडा कितना है और ये अंडा कितना है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि बटेर के अंडों की अफादियत क्या है, तो ये न्यूट्रिएंट वैल्यू में बड़े मुर्गी के अंडे को बहुत ही इजीली मात दे रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन बी इसके अंदर मुर्गी के अंडे से 10% ज़्यादा पाया जाता है तो वो गलत बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये अंडे उसकी बेहतरीन सोर्स हैं। बटेर के अंडे एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा काम देते हैं कि ये इसके अंदर वो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेजन पैदा करते हैं, जिससे आपके बाल और आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो यानी डायमेंशिया और अल्जाइमर की बीमारी है तो उसमें भी बटेर के अंडे बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और आपका वजन ज़्यादा है तो आप बटेर के अंडे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इसके अंदर जर्दी का पोर्शन ज़्यादा होता है तो आपको ये लेने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। इसके अलावा इसमें कोलीन पाया जाता है जो आपके लीवर को क्लीन और डिटॉक्स करता है। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ बहुत अच्छी है, कोशिश करें कि इसको ट्राई करें। अभी थोड़ी देर में मैं अंडा बनाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा कि वह अंडा किस तरह का दिखता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे बना लिए हैं और ये इतने एक्चुअली ये बहुत छोटे हैं। आप देखें मेरे हाथ पे कितना छोटा अंडा लग रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट दिस इन माय सैलड लाइक दिस। तो दोस्तों बटेर के अंडे हो चुके हैं बॉयल और फली मरतबा हम उसको ट्राई करने लगे हैं, तो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। मैंने अपना सैलेड बनाया और सैलेड के अंदर ये अंडे डाल दिए और लेट्स सी हाउ इट टेस्ट लाइक। तो ये रहा छोटा सा अंडा एंड आई एम गोइंग टू ईट इट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये थोड़ा सा लाइट है एज कम्पेयर टू मुर्गी के अंडे, तो ये गलत नहीं होगा बिकॉज नॉट बैड। कोई हीट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में ये बोलूं कि यार बहुत हैवी लग रहा है या कुछ ऐसा है। तो और जिस तरह के इसके बेनिफिट्स हैं तो दोस्तों यू मस्ट ट्राई बटेर के अंडे, ब्यूटीफुल थिंग। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के मोर वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, तो कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपकी खिदमत में पेश करूँगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह किसी खुशी के मौके पर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।